नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानेंगे जमीन का लगान रसीद कहां से कटवाया जाता है। तो उसका हम लगान रसीद कहां से कटवाएंगे उस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं जमीन का लगान रसीद कहाँ से कटवाएं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं जमीन का लगान रसीद कहाँ से कटवाया जाता है उसके विषय में जानते हैं। तो दोस्तों हमारे बिहार में बहुत सारे मौजा हैं, मतलब जो भी आपको ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक में जो भी मौजा बटा हुआ है, जमीन का जो एरिया होता है वो मौजा का होता है। तो उन मौजा के लिए राजस्व कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं और उन राजस्व कर्मचारी के द्वारा ही मतलब जमीन का जो भी है, बहुत सारा जो भी काम है, चाहे म्यूटेशन से संबंधित हो या फिर जमीन का जमाबंदी कायम संबंधित हो, तो ये सब जो है उन्हीं के अंतर्गत होता है और लगान रसीद भी जो है उन्हीं के द्वारा काटा जाता है, मतलब कटवाया जाता है। और लगान रसीद इसलिए कटवाया जाता है कि हम अपने जमीन का टैक्स जो है कर वो हम सरकार को देते हैं, इसलिए लगान रसीद कटवाना बहुत ही जरूरी होता है। और ये ध्यान रहे दोस्तों कि लगान रसीद प्रत्येक वर्ष अगर कटाते हैं, कटवाया जा रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि नए नए नियम आते जा रहे हैं तो इस तरह से क्या होती है कि परेशानियां बढ़ती जा रही है। इसलिए मतलब मेरा जो सलाह है कि आप लोग कम से कम एक साल में एक बार ज़रूर ज़मीन का रसीद कटवा लें। तो लगान रसीद कटवाना बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों। और दोस्तों राजस्व कर्मचारी का अपना कार्यालय होता है, अपना उनका एक डेरा होता है जहाँ पर वो अपने कार्यभार जो है मतलब संभालते हैं और अपना मतलब काम करते हैं। और दोस्तों उनका जो है आपके ब्लॉक में भी बैठना होता है और वहाँ पर भी जो है वो लगान रसीद काटते हैं, तो वहाँ से भी हम कटा सकते हैं, यानी कि अपने अंचल से भी कटा सकते हैं रसीद, या फिर उनका डेरा होता है, उनका कार्यालय होता है अपना, वहाँ पर भी लगान रसीद कटवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।